कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर है। पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर कहा कि कोरोना के 4 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया, इनमें से 2 को जल्द ही छुट्टी मिल सकती है, बाकी 2 मरीजों की सेहत में भी सुधार हो रहा है। उम्मीद ये है कि लोग जल्द ही रिकवर होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की परमिशन केंद्र सरकार से हमें मिली, जहां केंद्र सरकार ने LNJP के सीरियस मरीजों के ऊपर ही प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करने की बात कही और नतीजों की डिटेल्स भी मांगी है। अगर नतीजे ठीक आए तो बाकी परमिशन देंगी, वहीं अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल करने वाले हैं। एक राहत की खबर राजधानी दिल्ली से हमें इस वक्त मिल रही है। राजधानी दिल्ली में जो प्लाज्मा थेरेपी यहां पर की गई, 4 मरीजों पर उसे ट्रायल किया गया। 4 मरीजों में से 2 को बताया जा रहा है कि जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है और पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर सिद्ध हो रही है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। ऐसी स्थिति में जब पूरे देश अभी कोरोना के संकट से यहां पर जूझ रहा है, कोरोना के संकट से लड़ रही जनता के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि चिकित्सकीय क्षेत्रों में इस चीज को अधिक तरीके से, अधिक बेहतर तरीके से यहां पे उपयोग में लिया जाए, कुछ अधिक थोड़े बहुत यहां पर इसमें चेंजेस करके इसको अधिक कारगर सिद्ध किया जाए और प्लाज्मा थेरेपी से यहां पर मरीजों के इलाज की जो संभावना है वो प्रथम स्टेज पर पूरी हो चुकी है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए A1 TV के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी मेरे साथ में फुल लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, एक राहत की खबर राजधानी दिल्ली से इस वक्त मिल रही है। 4 मरीजों पर ये ट्रायल किया गया प्लाज्मा थेरेपी का और प्रथम स्टेज में कारगर भी सिद्ध हुआ है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। जी, जिन लोगों पर इलाज किया गया कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ, वो जब ठीक होने लगते हैं तो उनके शरीर में एक एंटीबॉडी डेवलप होती है। वो एंटीबॉडी प्लाज्मा में आती है। प्लाज्मा यानी हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का जी, उसमें वो रोग से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। ये जो थेरेपी, इसका मतलब ये कि जो ठीक हो रहा है या ठीक हो गया है उसका प्लाज्मा, उसके खून इस लायक है जी कि वो रोग से लड़ सकता है। तो जो दूसरा रोग से नहीं लड़ पा रहा है उसके खून में वो प्लाज्मा मिला दो निकाल के, तो वो एंटीबॉडीज उसके खून में भी डेवलप होने लग जाएगी, वो भी रोग से लड़के और बाहर आ जाएगा संक्रमण से। ये तो इसका सैद्धांतिक पहलू है। यानी अगर एक्स का शरीर एंटीबॉडी बना रहा है, वाई का शरीर नहीं बना पा रहा, तो वाई के शरीर को एनेबल करने के लिए कि वो बनाने लगे एंटीबॉडीज, दूसरे शरीर की बनी हुई एंटीबॉडीज का प्लाज्मा निकाल के इंजेक्ट कर दिया जाए। अब इसके कई सारी सीमाएं हैं इसकी। पहले तो जिस आदमी का रोग ठीक हो रहा है वो खून देने को तैयार हो जी, जिससे प्लाज्मा निकाला जाए। खून तो भले वापस, रेड ब्लड सेल्स वापस डाले जा सकते हैं खून में, शरीर में। प्लाज्मा निकालने के लिए एक बार खून निकालना पड़ता है। तो पहले तो वो इस बात के तैयार हो कि बीमारी से ठीक होता हुआ आदमी डरे नहीं और अपना खून दे दे। दूसरी बात, उसको कोई और बीमारी नहीं हो, ऐसी बीमारी जो संक्रमण से दूसरी तरह की होती हो, टीवी नहीं हो, ये दूसरी कोई बीमारी, किसी तरह का और इन्फेक्शन नहीं हो, तो तभी वो व्यक्ति खून दे पाएगा। तीसरी बात ये, उसके खून की और जिसको प्लाज्मा चढ़ाना है उसके खून की मैचिंग होगी, क्रॉस मैचिंग। जब वो क्रॉस मैच में रिएक्शन नहीं करेगा इसका प्लाज्मा उसके खून पर, तभी प्लाज्मा दिया जा सकेगा। तो ये प्लाज्मा थेरेपी, हम यूं बहुत खुश हो सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी भी इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। और मैचिंग होने के बाद, देने के बाद उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करे, फॉरेन बॉडी का प्लाज्मा आ रहा है तो वो जिस बॉडी में जा रहा है वो बॉडी का खून उसको एक्सेप्ट करे, रिएक्ट नहीं करे उस पर जी, और उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे, तभी प्लाज्मा थेरेपी सक्सेसफुल हो पाएगी जी। इसमें केवल इतनी सी है कि कोई दवा नहीं है, क्षमा करें, दवा नहीं है ये। ठीक होते हुए मरीज का या ठीक हुए मरीज के खून में जो चीज डेवलप हुई है रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जी, उस क्षमता का एक अंश दूसरे के शरीर में ट्रांसफर करना और उसके जरिए उस शरीर को
ऐसी परिस्थिति में लाना कि वो खुद भी एंटीबॉडी बनाने लगे और वो अपने रोग से लड़ने लगे, इन संभावनाओं पर ये थेरेपी टिकी हुई है जी। लेकिन मैंने जो आपको बताई, कौन ब्लड दे सकता है, ब्लड की मैचिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लोग देंगे नहीं देंगे, उसमें प्लाज्मा निकलेगा, वो संक्रमित नहीं हो दूसरे किसी संक्रमण से, इन सारी बातों का ध्यान रख के हो सकता है। तो ये नहीं कि हर व्यक्ति जो ठीक हो रहा है वो प्लाज्मा दे सकता है, हर व्यक्ति जो ठीक नहीं हो रहा है वो प्लाज्मा ले सकता है, ऐसा नहीं है जी। जी जी, तमाम चर्चा के लिए बेहद धन्यवाद अनिल जी। आप सुन रहे थे हमारे एवन टीवी के चैनल हेड अनिल हुडा जी को। यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी की जो उपयोगिता है उसके बारे में काफी डिटेल में उन्होंने चर्चा की हमारे साथ में, और बताया कि किस प्रकार से इन तरीके की चीजों को आगे अधिक कारगर बना करके जनता जो इस वक्त कोरोना के कहर से जूझ रही है उस पर यूज किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया जो प्रथम स्टेज में कारगर भी सिद्ध